सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कुछ स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम्स के बारे में। काफ़ी बार आप लोग लिंक्डइन पे जाते होंगे और आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है कि आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर इन डैश डैश कंपनी और किसी भी प्रोग्राम के अंदर। देन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो इस बारे में पता ही नहीं है कि स्टूडेंट एम्बेसडर नाम की कोई चीज़ होती है या फिर ऐसे कोई प्रोग्राम्स चलते भी हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले होंगे 10 स्टूडेंट्स एम्बेसडर प्रोग्राम्स के बारे में, उनके पर्क्स और बेनिफिट्स के बारे में। कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ी छोटी हो ताकि मैं कुछ नाम बता दूं आपको, और इसके लिए मैं डेडिकेटेड एक और नई वीडियो बनाऊंगा जहां पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को इंडिविजुअली सीख रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी लिस्ट कवर अप करने की कोशिश करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ अ स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि बिग एमएनसीज जो होती हैं वो इस तरीके के प्रोग्राम रन करती हैं। क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स हु आर इन कॉलेज एंड हु आर वर्किंग इन यू नो इन कंपनीज एंड ऑल। तो जो कंपनी में काम है और स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप था उसको कम करने की कोशिश की गई थी कंपनीज के द्वारा। इस प्रोग्राम के अंदर में होता क्या है कि कंपनी सेलेक्ट करती हैं कुछ इंडिविजुअल्स को एंड देन दे सी लाइक एंथुसियास्ट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट जो कि नए नए स्किल्स और टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं, एंड देन दे प्रोवाइड देम यू नो मेंटर्स हु टीचेस देम स्किल्स एंड ऑल्सो दे मेक लीड्स। कॉलेज के अंदर जो एम्बेसडर प्रोग्राम होता है उसके अंदर आप लीड वगैरह भी बनते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी होती है सीखने की। सो दिस इज़ अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट एम्बेसडर। देन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। सो द फर्स्ट पर्क इज़ गुड पीयर ग्रुप। तो जब भी आप एक स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तब आपको काफ़ी ज़्यादा वेरी एक्सपीरियंस मिलता है, काफ़ी सारे लोगों से आपकी बात होती है और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है गेन होती है। तो जब आप एक ऐसे इंडिविजुअल के यू नो कॉन्टैक्ट में आते हैं जो इंडस्ट्रियल काम कर रहे हैं या फिर काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। सेकंड जो बेनिफिट है यार वो है टीम वर्क, एंड टीम वर्क इज़ वेरी नेसेसरी। आपको जो टीम हसलर्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो देख के भी समझ आता होगा कि टीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द थिंग इज़ कि आप टीम में जब काम करना शुरू करते हो तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं। सिंगल एक जो बंदा होता है वो यार सारे काम नहीं निपटा सकता है। सो द कॉन्सेप्ट इज़ कि आप लोगों को टीम के अंदर ही वर्क करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीम के अंदर अगर टीम नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा, बट द थिंग इज़ कि टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक बिग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और आपको दूसरे लोगों से भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। सो द थर्ड बेनिफिट इज़ लर्निंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स। अब जब आप इस प्रोग्राम में इंडल्ज होते हो, किसी भी स्टूडेंट प्रोग्राम में जाते हो, तो आपको काफ़ी सारे सेमिनार्स, काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रियल लीडर्स होते हैं वो गाइड कर रहे होते हैं, आपको स्किल्स सिखा रहे होते हैं। इससे क्या होता है यार, आपकी स्किल्स तो एनहेंस होती हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से स्पीकिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव आप कर सकते हो, नए नए लोगों की नॉलेज आपको मिलती है, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। एंड द फोर्थ बेनिफिट इज़ लीडरशिप, पॉजिटिविटी एंड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो जब भी आप यार एक स्टूडेंट एम्बेसडर बनते हो तो आप काफ़ी सारे सेमिनार्स देते हो, खुद से देते हो यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती हैं और आप की पर्सनैलिटी, ऐसा मैंने पहले भी पॉइंट्स में बताया, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है बिकॉज आप एक लीड होते हो, आप पूरी टीम को संभाल रहे होते हो। एंड द कम्युनिकेशन स्किल विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नो थिंग जो कि हर एक इंसान को आनी चाहिए, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो यार ये सब बातें तो हो गई यार पर्क्स की एंड अबाउट दिस एम्बेसडर प्रोग्राम। अब कुछ नेम बताता हूँ यार जो कि स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम बेस्ट हैं और आप इनमें यू नो पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो द फर्स्ट नेम इज़ गीक्स फॉर गीक एम्बेसडर प्रोग्राम। नाउ गीक्स फॉर गीक्स यार सब एक स्टूडेंट को पता होता है कि ये क्या है, और बेसिकली हम सारे लोग कोडर्स वगैरह तो यार यहीं पर जाके आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं। कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए द बेस्ट एंड यू नो रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ हमें यहाँ पर मिल रहा होता है। तो ये इनका भी एक एम्बेसडर प्रोग्राम है जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको करियर से रिलेटेड, ठीक है, एंड समटाइम्स दे प्रोवाइड जॉब ऑल्सो एंड ऑल्सो सम स्वैग्स एंड ऑल। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट गीक्स फॉर गीक्स एम्बेसडर प्रोग्राम की। मूविंग ऑन टू द सेकेंड, वी हैव गिटहब कैंपस एक्सपर्ट। नाउ दिस इज़ वेरी गुड यू नो प्रोग्राम जहाँ पर काफ़ी कम लोग सेलेक्ट होते हैं, इवन लाइक कॉलेज से एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट होता है। एंड यहाँ पर क्या होता है यार, ये ऐसे एक स्टूडेंट की डिमांड करते हैं जो कि सही में लीड करे, जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें एक्सपीरियंस के थ्रू अपने पढ़ाए, और काफ़ी ज़्यादा यू नो अच्छा प्रोग्राम होता है। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया किट भी आपको मिल रही होती है स्वैग्स के साथ,
ये भी काफी अच्छा प्रोग्राम है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। सो द थर्ड प्रोग्राम इज माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर। नाउ MLSA इज अ यू नो वेरी रिनाउंड, काफी ज्यादा लोग इसको जानते हैं एंड आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद MLSA। सो इस प्रोग्राम के अंदर यार काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप एक लीड हो तो आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, आपको यू नो डोमेन नेम मिलता है, आपको लिंक्डइन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको स्वैग्स मिलते हैं। यहाँ पर तीन लेवल होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, जहाँ पर आप अपग्रेड करते रहते हो। सेशंस के लिए आपको फुल सपोर्ट ऑफ मनी मिलता है, आप एक्सपर्ट्स को बुला सकते हो एंड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम के भी। सो द फोर्थ प्रोग्राम इज द डेवलपर सर्किल एंड दिस इज़ बाय फेसबुक। ये एक दूसरा प्रोग्राम है जहाँ पर आप एनरोल कर सकते हो स्टूडेंट एम्बेसडर के तौर पे एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, जहाँ पर आपको स्वैग्स वगैरह डेफिनेटली मिल रहे होते हैं एंड आपको स्किल्स वगैरह आपकी डेवलप हो रही होती हैं एंड यू कैन फॉर्म ग्रुप्स अपने कॉलेज के अंदर एंड यू नो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। द फिफ्थ is developer student club by Google and this is also very renowned because ये भी काफ़ी सारे लोगों को पता होता है। आपने LinkedIn पे जरूर देखा होगा कि I'm being selected as a student developer lead वगैरह वगैरह। सो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, यहाँ पर आपको Google की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्वैग्स वगैरह भी मिलते हैं एंड आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को बुला सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, काफ़ी सारी गूगल आपको पैकेज देता है ताकि आप एक अच्छा यू नो सेमिनार कर पाओ, ठीक है, स्टूडेंट्स को सिखा पाओ एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग योर स्किल्स एंड अपग्रेडिंग इट। ओके, सो द सिक्स्थ प्रोग्राम इज गूगल डेवलपर ग्रुप्स। नाउ दिस इज अनदर प्रोग्राम, गूगल डेवलपर्स क्लब अलग है। गूगल डेवलपर प्रोग्राम क्या है, बेसिकली गूगल डेवलपर जितने भी क्लब्स हैं उसके अंडर आते हैं गूगल डेवलपर ग्रुप, मतलब गूगल डेवलपर ग्रुप के अंदर आते हैं गूगल डेवलपर्स क्लब, राइट। सो दिस इज़ अनदर प्रोग्राम जहाँ पर उसका भी एक लीड होता है एंड यू नो वहाँ पर भी सारी यही सारी चीज़ें हो रही होती हैं, सेमिनार्स हो रहे होते हैं, सब में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम हैं बट नेम्स अलग अलग हैं, राइट। सो मूविंग ऑन टू द सेवेंथ विच इज इंटेल स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम। दिस इज अ प्रोग्राम बाय इंटेल एंड इसके अंदर भी यार काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। सो बेसिकली दो स्टूडेंट हुआ परसुइंग PhDs, राइट, एंड दे आर परसुइंग हायर लेवल ऑफ स्टडीज, वो लोग यार इस एम्बेसडर प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। बाकी जितने भी मैंने प्रोग्राम बताए अभी तक, वो कोई भी नॉर्मल डिग्री है आपकी, आप कॉलेज जा रहे हो, आप लोग एनरोल कर सकते हो। बीटेक के स्टूडेंट्स हो तो कर ही लेना यार, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे ये टॉप 5 प्रोग्राम्स हैं। ओके, आई थिंक टॉप 6, यप। सो टॉप 6 प्रोग्राम्स में आप आराम से एनरोल कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी स्किल्स डेवलप करने के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ अ मेजर लीग हैकिंग एंड दिस इज़ अनदर यू नो अमेजिंग प्रोग्राम एंड बेसिकली इसके अंदर यार आप हैकेथॉन्स वगैरह एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह ये सब आपको बहुत ज़्यादा मिल रही होती हैं एंड यू नो इवेंट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे होते हैं मेजर लीग हैकिंग एंड MLH इज़ अ वेरी गुड नेम इन टर्म्स ऑफ ओपन सोर्स। अगर आप ओपन सोर्स के अंदर एंथुसियास्ट हैं तो MLH के अंदर आप यू नो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड दे प्रोवाइड यू नो गुड अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल दो स्टूडेंट्स। द नाइन्थ प्रोग्राम इज़ द AWS एजुकेट प्रोग्राम, जहाँ पर आप Amazon की तरफ से यू नो स्टूडेंट एम्बेसडर बन रहे होते हैं एंड दिस इज़ अनदर वेरी गुड प्रोग्राम, राइट, जहाँ पर आप लोग को Amazon की सर्विसेज की पूरी पूरी चीज़ें मिल रही होती हैं, पूरी किट मिल रही होती है और आप लोग इवेंट्स करा सकते हो Amazon के ऊपर, वर्क यू नो उनके AWS वगैरह पे वर्क कर सकते हो एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम। सो द टेंथ एम्बेसडर प्रोग्राम इज़ द वन प्लस स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, जहाँ पर आप लोगों को यू नो वन प्लस की तरफ से स्वैग्स वगैरह भी मिल रहे होते हैं इनफैक्ट एंड आप लोगों को प्रमोशंस करना होता है थोड़ा बहुत एंड आपको काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल ग्रेड एप्लीकेशंस एंड यू नो स्किल्स पे वर्क करने का फ़ायदा मिलता है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रोग्राम। सो यार यही थे यार लिस्ट में टॉप 10 स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम हैं, मैं बेसिकली लिंक दे दूंगा औरों का भी नीचे जितने मेरे को मिलेंगे एंड आई गेस अगर आप लोगों को अपनी स्किल डेवलप करनी है, अगर आप लोग चाहते हो कि हम एक यू नो लीडरशिप सीखें, हम कम्युनिकेशन स्किल बेटर करें, ठीक है, हम लोगों को कुछ आगे अच्छी तरीके से करना है, देन यू शुड अप्लाई इन दीज स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम्स। मेरी पर्सनल यू नो एक साल से मैं स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम डिफरेंट यू नो गूगल डेवलपर्स क्लब और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के अंदर था एंड आई फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, यू नो आपको कम्युनिकेशन करना बेहतर तरीके से आ जाता है और आपकी स्किल्स तो डेवलप होती ही हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय।